नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दूसरे लेसन की बात करते हैं जिसमें हम किसी भी जातक की नेचर को, लगन को कैसे जज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, हम उसके होरोस्कोप को चेक करते हैं, तो हमें शुरुआत जो है वो लगन से करनी होती है। हमें लगन को एनालाइज करने के लिए बहुत ही सारे फैक्टर्स को चेक करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप ये बताता हूँ कि नेचर को जज करना एक नॉर्मल इवेंट के रूप में लेना चाहिए। हम किसी भी लाइफ के बड़े इवेंट को जज करने के लिए, बिजनेस के लिए या मैरिड लाइफ के लिए इंसान की नेचर कैसी रहेगी, उसके लिए अकेले D1 चार्ट को जज करना सफिशिएंट नहीं होता। हमें बहुत सारे और फैक्टर्स चेक करने होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो नेचर है वो सारी उम्र एक जैसी नहीं रहती। कई बार हम अग्रेसिव होते हैं लाइफ के किसी एक पार्ट को लेकर, कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये हमारी जो नेचर है, ये दशा के द्वारा लाइफ में कभी कभी चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे एक बेसिक ट्रेट्स है जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर हम इस जातक की बात करें तो इनकी नेचर को जज करने के लिए हमें सबसे पहले इस जातक की साइन को पता करना होता है कि ये साइन कौन सी है। इनकी जो असेंडिंग साइन है, इनकी जो लग्न राशि है, इनके जन्म के समय में जो लग्न उदित हुआ था वो था 3 नंबर राशि का लग्न। 3 नंबर राशि जो है ये मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले इस जातक में मिथुन राशि के ट्रेट्स आएंगे। मिथुन राशि का अगर हम साइन देखें तो उसमें मेल और फीमेल दोनों बने होते हैं। दैट मीन्स ऐसे लोग ड्यूअल पर्सनालिटी के होते हैं। इनमें मेल और फीमेल मतलब इमोशंस होना और थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के होना, दोनों की दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लोग जितने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं उतने ही ज़्यादा सोशलाइज्ड होते हैं। तो मिथुन लग्न होने के कारण इस जातक में दोनों ट्रेट्स होंगे। लेकिन लग्न का उच्च का होकर बैठना, लग्न का उच्च का होकर बैठना ये बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि समटाइम लग्न में मिथुन राशि के ट्रेट्स होते हैं, लेकिन लग्न का जो लॉर्ड है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो किस हाउस से निकल रहा था, उस टाइम पे किस हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, किस राशि में था। लगन का जो मालिक है वो मिथुन राशि है, जिसके कारण जातक ड्यूअल पर्सनैलिटी होगा, दोनों तरह के ट्रेंड्स होंगे। और उसका उच्च का होके बैठना, वो भी केंद्र के घरों में, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जातक का जन्म है जो वो भद्र महापुरुष के योग में हुआ है। उसका उच्च में होकर बैठना ये डिसाइड करेगा कि जातक इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके अंदर जो बुद्ध की क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बुद्ध इंटेलेक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये चेक करेंगे जो 3 नंबर राशि है ये अग्नि तत्व की है, ये पृथ्वी तत्व की है कि जल तत्व की है। ये जो राशि है 3 नंबर, ये जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने के कारण इन लोगों में चंद्रमा के जो ट्रेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। लग्न का मालिक बुद्ध का उच्च का होने के कारण जातक बुद्धिमान होगा, जातक बहुत ही रिसर्च माइंडेड होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जल तत्व होने के कारण चंद्रमा के ट्रेट्स रहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात हमें ये चेक करनी होती है कि लग्न को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। लग्न को चंद्र देख रहा है। एक तो जल तत्व ऊपर से चंद्रमा जैसे जल तत्व की दृष्टि होना जातक के लग्न में दो तरह के ट्रेट्स लेकर आएगी। एक तो जातक का बुद्धिमान होना, जातक का ड्यूअल पर्सनैलिटी होना, और जल तत्व के कारण जातक की नेचर में चंद्रमा की क्वालिटीज़ हो जाना। अगर हम इस टेबल को बड़े ध्यान से देखें, जो चंद्रमा है उसको जो रोल प्ले करने के लिए मिला है वो सेकंड हाउस का मिला है। सेकंड हाउस जो है वो हमारे कुटुंब का और परिवार का घर है। ये हमारा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लगन के ऊपर दूसरे घर के लॉर्ड का संबंध होना, कुटुंब वाले घर का संबंध होना, कुटुंब वाले घर की दृष्टि होना, और चंद्रमा जैसे इमोशनल प्लैनेट की दृष्टि, ये रिप्रेजेंट करती है कि जातक बुद्धिमान तो होगा, उसके साथ साथ इमोशनल भी होगा, क्योंकि ये तत्व भी जल है और जल तत्व का प्लैनेट भी उसे देख रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, फैमिली ओरिएंटेड होगा, क्योंकि चंद्रमा जो कारक है ये हमारी लाइफ के इमोशंस को, हमारी अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जातक को कैलकुलेटिव एंड इमोशनल बनाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, लग्न के ऊपर और किस प्लैनेट की दृष्टि है। लग्न के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि है, जो कि जातक को सिर्फ और सिर्फ, जो बुध है जातक को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जो राहु है ये जातक को रिसर्च माइंडेड बनाता है।
इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग होना और किसी ना किसी डीप रिसर्च में जाना, ये हमारी दो अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो ऐसे जो जातक हैं रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाते हैं, राहु की क्वालिटीज होने के कारण आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं, और लगन में जो हमारी मैनेजमेंट क्वालिटी का कारक है प्लैनेट जो रिप्रेजेंट करता है बुध, हमारी नेचर उसका मालिक बुध और उसका उच्च का होकर बैठना, जातक के बीच में जो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को बहुत ही अच्छे से डाल देता है जातक की नेचर में। अब ये जातक की नेचर है, जातक की नेचर को मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जातक इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होगा, उसका जो जन्म है वो भद्र महापुरुष योग में हुआ है, राहु की दृष्टि के कारण वो टेक्निकल है, चंद्रमा की दृष्टि के कारण वो इमोशनल है और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। देखिए लगन को जो अच्छा या बुरा बनाना होता है वो हमारे साहस ने बनाना होता है, क्योंकि हमारे साहस का जो रिलेशन है वो हमारे लगन के साथ होता है। इसमें हम एक बात करें कि जो साहस का कारक है वो सूर्य है, जो एफर्ट्स का कारक है जो सूर्य है वो वैसे पहली निगाह में देखा जाए तो नीच का है, लेकिन शुक्र का साथ बैठ जाने के कारण उसकी जो नीचता है वो भंग हो चुकी है, जिसके कारण जातक जो है एफर्ट्स करेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ देखें, जातक का जो सूर्य है वो भी अग्नि तत्व का प्लैनेट है, केतु जो है वो भी अग्नि तत्व का प्लैनेट है, राहु भी क्रूर ग्रह है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जातक तेज स्वभाव का होगा, अग्रेसिव होगा और शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। इस प्रकार हम लगन को देखकर किसी भी जातक के नेचर को जज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगन से हमारी जनरली तीन चीज़ें आती हैं, हमारी हेल्थ, हमारा नेचर और हमारा जो है मैनेजमेंट क्वालिटीज आती हैं। तो लगन का कमज़ोर या स्ट्रांग होना किसी एक कैटेगरी को लेकर स्ट्रांग या कमज़ोर होगा, अगर हमें किसी एक चीज़ को चेक करना है तो हमें उस कैटेगरी के कारक को चेक करना होता है, जो कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लगन को देखने के लिए लगन की राशि, लगन का तत्व, लगन का मूवेबल इमूवेबल एंड डुअल होना, और लगन के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है उसके ट्रेड्स को उसके साथ ऐड करके देखा जाता है। लगन का जो मल्टीपल एडिशन है वो हमारा थर्ड हाउस है, जो कि हमारे लगन को बढ़ाएगा या घटाएगा उसको साथ में एनालाइज करना होता है। इस प्रकार जैसे जैसे आप लोगों के होरोस्कोप देखेंगे उनके लगन को प्रिडिक्ट करें, लगन को ध्यान से देखें, तो आपको उनके नेचर को जानने के लिए, आपको अपनी मैरिड लाइफ के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए, सभी ही फील्ड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो नए नए लेसन्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।